नमस्कार, आदर सत्कार और सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिताजी ने कहा था, बेटा जब भी बड़े बूढ़े मेहमान सामने बैठे हो तो प्रणाम कर देना चाहिए। ये बात और है कि मैं सब्जी काफी बड़ा हो चुका हूँ, बुरा नहीं हुआ लेकिन बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन अब पीछे मुझे देखता हूँ, मेरे छोटा सा बच्चा याद आता है जो रोड पर चला जा रहा था, ऊपर से एयरफोर्स का जहाज जाता वो देखा, बस तय कर लिया कि बस बड़ा होकर एयरफोर्स का पायलट ही बनूंगा। थोड़ा सा बड़ा तो 26 जनवरी की परेड देख ली, आर्मी के जवान ने राष्ट्रपति को सैल्यूट मारा, ये धक्का है उस दिन फाइनल के बड़ा होकर देश के लिए आर्मी के जवान ही बनने वाले। चौका मारा फाइनल बड़ा होकर देश के लिए क्रिकेट ही खेलने वाला, थोड़ा सा और बड़ा हो तो मालूम पड़ा किसी के भी काबिल नहीं। चेहरा बड़ा अच्छा है, स्माइल बड़ी प्यारी है, देखने में अच्छे हो, ठीक ठाक हो, बोले भले हो, एक्टर बन सकते हो, बिल्कुल अमिताभ बच्चन लगते हो, खाली हाइट बॉडी और आवाज से मार खाते हो। आइडिया अच्छा लगा, हिंदुस्तान के हर नौजवान को आजकल ये आइडिया सूट करता है, लेकिन सूट आया बोलिए दूसरा पहुंच गया सीधा महानगरी मुंबई। आप एक स्टूडियो में गया तो वहां किसी फिल्म का मूड चलो, मैंने पूछा मैंने भाई साहब किस फिल्म का मूड है, इसका नाम क्या? बोले यार तुम नाम की बात करके अब तक स्टोरी फाइनल नहीं। हीरो की डेट मिल गई, स्टूडियो की डेट मिल गई, तुम मोहन का डाला भी देखते हैं क्या होगा। तुम याद रहा करो, पीछे जाओ भाई, बहुत बड़े खुशूर डॉक्टर कोहली साहब है, उनका दफ्तर है, उनकी नई फिल्म छोड़ी, स्ट्रगल करो इस लाइन में, आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। तो साहब मैं पहुंच गया कोहली साहब के दफ्तर में, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बाहर है, पीऊ था उसको बताया, अंदर आया तो अंदर एक लेडी सी बहुत टेढ़ी वो निपटी, उसने मेरे बाहर ही बिठा दिया है। बैठा रहा बैठा रहा आधा पंद्रह मिनट तक, पूछा उसको मैंने, मैडम ये कोहली साहब इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं? ए मैं चुपचाप बैठू सीट के ऊपर बैठ गए, बात समझ गए कि अंदर कुर्सियां होंगी, मेज होंगे, सोफे होंगे, फिर पुलिस साहब सीट के ऊपर क्यों बैठे हुए आगे जाके मालूम पड़ा कि फिल्म वाले जब कहानी में काम करते हैं कहते हैं आजकल सीट के ऊपर बैठे, फिल्म पे काम करते हैं कहते आजकल म्यूजिक के ऊपर बैठे हुए, हीरो ढूंढते हैं तो कहते हैं आजकल हीरो के ऊपर बैठे हुए, हीरोइन ढूंढते हैं तो कहते आजकल हम हीरोइन के ऊपर बैठे हुए। छोटा सा मोटा सा आदमी व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट व्हाइट बाहर निकला तो मैं समझ गया कि हो ना हो यही पुलिस वालों के, मैंने वही पकड़ लिया। गुड मॉर्निंग सर। मैं झूठ बोल दिया सर, कितनी बार तो मिला तो आपको हर बार भूल जाते हैं आप। लेकिन हुआ साहब हुआ, मैं गया कोहली साहब के कैबिन में जाके खड़ा हुआ, फिर याद आया कि सर ने कहा था बेटा बैठो, तो मैं बैठ गया। एसी चल रहा था, नीचे कारपेट था, फर्स्ट क्लास, और चारों तरफ क्या देखते हो कि फिल्मों की ट्रॉफियां बनी है, ट्रॉफियां समझते ना आप लोग, फिल्म वाले जो अपने पैसों से ट्रॉफियां बनवाते हैं। माता जी
जो आप जो भी रोल देखो रोल कर लूंगा, छोटा रोल हो बड़ा रोल हो छोटा हो कैसा भी हो एक्स्ट्रा का रोल हो वो भी कर लूंगा, पर मुंह से निकल गया कि सर आप जो भी काम देंगे ना सर आप जो काम देंगे मैं वो काम कर लूंगा सर, कोई भी काम जो काम जो रजिस्ट्रेशन घुसा ट्रेन में फर्स्ट क्लास के डिब्बे में विदाउट टिकट आगे आग ज्यादा फिर भी देर नहीं है
टोपियां पहन के घूमते रहे। एक दिन मैं टोपी पहननी भूल गया, एक दिन मैं टोपी पहननी भूल गया तो किसने क्या हो गया? What happened? फादर तय नहीं है। मेरा फादर ऑफ नहीं हुआ, अभी मेरा मूड ऑफ हो गया। और सीधा घुस गया एक लेडीज बार में। इस बार मैं पहले भी बहुत बार आया था, लेकिन हमेशा बिल्कुल हार नहीं लिया था। आज पहली बार इतनी महंगी बार में मैं अपने पैसे की शराब पीने जा रहा था, अचानक मुझे अचीवमेंट का एहसास हुआ। अचीवमेंट यार, मैं इतनी महंगी बार में बैठ के अपने पैसे की शराब पी रहा हूं, अचीवमेंट नहीं है? है अचीवमेंट। बैंक खाली तो क्या हुआ, अचीवमेंट तो है। कोई माने ना माने, है सारा अचीवमेंट। यस, तो भी आ गई एकदम सेक्सी और टाइट छोटे कपड़ों में आ गई। क्या लेंगे? सबसे अच्छी क्लास थी, इज़न्ट इट? यस।